वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई इट इज अ इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज उस स्पीसीज को बोला जाता है जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए नया हो, जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए एलियन स्पीसीज हो, एंड विच हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रप्ट द लोकल बायोडाइवर्सिटी, तो उनको इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। व्हाइट फ्लाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। नाउ व्हाट इज दिस व्हाइट फ्लाई, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्रिपेयर इट फ्रॉम इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस व्हाइट फ्लाई। दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जिसको हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट मींस जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें कि जीन डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको इनका घटक बोला जाता है। इसको दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स दे इंटरैक्ट विद अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो इंटरैक्ट विद बायोटिक कंपोनेंट और एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलता है। कुछ फैक्टर्स मैनमेड होते हैं, कुछ फैक्टर्स नॉन दैट इज कॉल्ड नेचुरल। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रप्ट करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उन फैक्टर्स को बोलते हैं हम लोग डिग्रेडिंग फैक्टर्स। दोज आर कॉल्ड डिग्रेडिंग फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो, उनको डिस्ट्रप्ट करना चाहता हो, उनको बोलते हैं डिग्रेडिंग फैक्टर्स। उन डिग्रेडिंग फैक्टर्स को याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज योर होप जी। दिस होप जी रेफर्स टू एज फॉर हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। जो स्पीसीज हैं उनका हैबिटेट लॉस हो, जो स्पेस जहाँ फिजिकल स्पेस जहाँ वो रहता है वो प्लेस से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके चलते बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओके, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर। एक्सॉटिक स्पीसीज, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज हु आर न्यू टू ए एरिया। टुडे वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ऑल द वेरियस एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेसिव स्पीसीज, कि किस तरह से एक स्पीसीज नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रक्ट करता है, किस तरह से वहां के नेटिव स्पीसीज के डिसअपीयरेंस के लिए द इन्वेसिव स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेटिक चेंज, द क्लाइमेटोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो जब भी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ टॉलरेंस, जब भी एक स्पीसीज एक ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन पे सर्वाइव करता है, उसको रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं। उस रेंज ऑफ टॉलरेंस के बाहर जब चीजें जाती हैं, देन द स्पीसीज इज कंपेल्ड टू डू माइग्रेशन। सो माइग्रेशन के चलते भी एक स्पीसीज एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करता है। सो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के सर्टेन फैक्टर्स होते हैं दैट कैन बी रिमेम्बर्ड थ्रू ए टर्म दैट इज होप जी। नाउ इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है जो मैनकाइंड को वेरियस टाइप्स के सर्विसेस प्रोवाइड करता है। उन सर्विसेस को बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिकल सर्विसेस। कुछ टेंजिबल होते हैं, कुछ इनटेंजिबल, लाइक फूड, क्लोदिंग, शेल्टर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो फिजिकली रियलाइज कर सकते हैं, दे आर टेंजिबल। कुछ इनटेंजिबल लाइक नेचुरल ब्यूटी, लाइक टूरिज्म, रिक्रिएशनल सेंटर्स, ये क्या है? इनटेंजिबल्स। सो बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टूडेज टॉपिक इज अबाउट द व्हाइट फ्लाई। ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो किसी नेटिव स्पीसीज के लिए एक थ्रेट की तरह वर्क करता है। सो लेट अस सी
What is this white fly? The white fly and why it is this news? Basically, South India mein, in the context of Kerala or Tamil Nadu area mein, coconut plantations ke areas mein, in species ka kaafi invasion hua. Aur jab scientist ne iske baare mein study kiya, they found that the yield of those plantation area, it was reduced highly. So, it becomes an impending threat to the nutritional security of India. Okay, crop diversity of India. So, invasive species kya hai? So, ye kuch examples hain. Jaise, this species is invading this coconut plant. Ye white color ke hote hain. Okay, inka reach abhi badha hai. So, we will see. The India mein first invasive species, invasive white fly, was reported from Kerala in 1995. Now, this species is spread to every nook and corner of the country. In ecology, you have to study about invasive species. Invasive species ek new species hota hai, jo kisi geographical area ko invade karta hai. Matlab wo native species nahi hota hai. Native species nahi hone ke chalte, jab us species ka kisi local area pe invasion होता है, entry होता है, तो वहाँ पर एक changed interaction का माहौल create होता है, और due to this changed interactions, जो native species feel vulnerable, और they also sometime get vanished from that area. इस species को exotic species या alien species भी बोला जाता है, ठीक है? Invasive species के कुछ और नाम है, like exotic species, alien species. This is common. This is your Lantana camara. ओके लैंटेना कामरा ये एक इनवेसिव स्पीसीज है ये हमारा इंडिया का नेटिव स्पीसीज नहीं है जिसको लोकल लैंग्वेज में लाइक झारखंड बिहार इन एरिया में इसको पुटुस भी बोला जाता है सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इनवेसिव स्पीसीज कुछ इस तरह से लताएं देखे होंगे दीज आर एग्जांपल ऑफ इनवेसिव स्पीसीज ये काफी टिडली होते हैं काफी सर्वाइव करते हैं इनका जो एडेप्टेशन का जो कैपेबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है इसलिए ये काफी different odds condition may be germinate. About the white fly, during 2015 to 20, there was a group of team working on it. They had studied about the various aspects and they found that these species are basically native to the Caribbean islands and the Central American region. White species, Caribbean islands ke areas ka native species. Ab ye basic question आता है कि ये स्पीसीज इंडिया तक कैसे पहुंचता है इसके लिए कोई पिन पॉइंट एंड एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है बट कुछ पॉसिबल एंड इन्फॉर्म्ड गेस एंड आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि पॉसिबली दैट द बेबी इंसेक्ट और विच आर आल्सो कॉल्ड निम्फ जो कुछ इंपोर्टेड प्लांट्स के थ्रू यहां पर पहुंचे होंगे ग्लोबलाइजेशन के चलते टूरिज्म ये एक फ्लरिशिंग सेक्टर है सो टूरिस्ट एक्टिविटी कुड बी पॉसिबल फैक्टर इवन कुछ ह्यूमन बिहेवियर होता है कि कभी कुछ ऐसी स्पीसीज को देखते हैं तो उसको दे प्लक इट अच्छा लगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इस तरह से होपफुली ये स्पीसीज इंडियन पेनिनसुला में पहुंचा होगा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं लाइक हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन जिसके चलते पॉसिबली माइग्रेट हुआ होगा ओके सो नो एनी एग्जैक्ट थ्योरी बट दीज आर the possible reasons we can cite. Team of researchers जो इस पे काम कर रहे थे, they found that कि जो India में जो white fly की species है, ये primarily दो class में divided है और दो they belongs to the two class. एक one is spiraling white fly and second is rugose spiraling white fly. ये कुछ pictures हैं, I will show you. This spiraling white fly, scientifically it is called Eleurodicus dispersus. A second one is Eleurodicus rugio perculatus. Ye species earlier it was native Kerala, Tamil Nadu in areas pe hi restricted tha. Now this species ka jo host range hai, jo area of range hai, kaafi bada hai. Almost every part of the country is now it is invaded, spread ho chuka hai. ये फर्स्ट क्लास है दैट इज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर रीजन को छोड़कर सारे एरियाज में ये अभी तक फैल चुका है इवन जो सेकंड क्लास रुजियो परक्यूलेटस दिस इवन इन्वेडेड जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं
लक्षद्वीप है, हमारा यूनियन टेरिटरी, उन एरियाज में भी ये स्पीसीज फैल चुका है। और एक अप्रोक्सीमेशन है दैट 1.3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ द कोकोनट एंड ऑयल पाल्म इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय दिस व्हाइट फ्लाई। सो डे टू डे लाइफ में भी व्हाइट फ्लाई देखे होंगे कभी, लेट्स से दिस इज योर एक गौहाट लीफ, ठीक है, अमरूद के वृक्ष पे इस तरह के व्हाइट व्हाइट चीजें आप देखे होंगे। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई जो एल्यूरोडिकस सेकेंड क्लास है, दिस इज और रिगोज स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई, कुछ इस तरह से इनका पिक्चर होता है। ओके, यू लुक इट, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर यू आर शोइंग। सेकेंड वन, दिस इज योर द स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई दैट इज कॉल्ड एल्यूरोडिकस डिस्पर्सस, इसका कुछ पिक्चर इस तरह से है। सो व्हाइट इंसेक्ट और ये पेस्ट हैं जो इनिशियली कोकोनट और ऑयल पाम्स इन फ्रूट्स पर रिस्ट्रिक्टेड था, अब हम लोग देखेंगे कि दे आर नाउ इन्वेडिंग टू ए नंबर ऑफ द फ्रूट आइटम्स, इवन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, द बनाना, गोवा एंड वेरियस अदर फ्रूट्स क्रॉप्स आर नाउ इन्फेक्टेड बाय दिस स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज नेटिव स्पीसीज के लिए थ्रेट कैसे होता है? बिकॉज जब इन्वेसिव स्पीसीज किसी लोकल ज्योग्राफिकल एरिया पे एंटर करता है तो वहां पर एक डिफरेंट टाइप का इंट्रैक्शन पैटर्न स्टैब्लिश करता है। होपफुली नेटिव स्पीसीज उन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। जब भी इंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो इन इकोलॉजी देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस, और पांच तरह के जनरली इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉसिबली इससे ज्यादा भी होता है बट प्राइमरली इट इज म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशंस एंड कॉम्पिटिशंस। इनको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। दो स्पीसीज ए एंड बी जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यदि उनका इंट्रैक्शन म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल है, तो म्यूचुअल कब होता है? जब दोनों का फायदा हो। इसका मतलब इस कंडीशन में दोनों स्पीसीज का बेनिफिट होता है, दोनों सर्वाइव करेगा। कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा, दूसरे स्पीसीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पैरासिटिज्म एक ऐसा कॉम्पिटिशन, एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें पैरासाइट को फायदा होता है और होस्ट को क्या होता है, नुकसान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस और माइनस इंट्रैक्शन। प्रेडेशन भी एक इंट्रैक्शन है जिसमें प्रेडेटर को फायदा होता है, बेनिफिट होता है, और प्रे को उसमें क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब नुकसान। लेट्स से एक एग्जांपल है टाइगर एंड ए डियर। सो टाइगर क्या करेगा, डियर को हंट करेगा। सो टाइगर हो गया हमारा प्रेडेटर एंड डियर क्या हो गया, प्रे। सो टाइगर पे कैसा बेनिफिट होगा एंड डियर पे कैसा होगा, दैट इज नेगेटिव। कॉम्पिटिशंस एक ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों ही पार्टी को, दोनों ही स्पीसीज को नेगेटिव इंपैक्ट होता है। कॉम्पिटिशन किसके लिए होता है, फॉर रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, फॉर लिमिटेड स्पेस, फॉर द लिमिटेड एनर्जी। सो दोनों ही को कुछ कुछ लूज करना पड़ता है। दैट इज वाई कॉम्पिटिशन में क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशन, ठीक है, अ टर्म दैट इज रिसोर्स पार्टीशन इज यूज्ड। दोस्तों इन योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यू रीड इन डिटेल अबाउट दीज इंटरैक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हम लोग व्हाइट स्पीसीज के बारे में फिर से पढ़ते हैं। रिसर्च टीम ने ये भी पता किया कि ये जो स्पीसीज है जो पहले साउथ इंडिया के केरला और तमिलनाडु रीजन पे रेस्ट्रिक्ट था, इनका रेंज अब पूरे इंडिया में फैल चुका है। क्यों फैला? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक पॉलीफिगस नेचर और दूसरा द प्रोलिफिक ब्रीडिंग। पॉलीफिगस नेचर उस हैबिट को, उस एबिलिटी को बोलते हैं कि जिसमें डिफरेंट फीडिंग कंडीशंस पे वो सर्वाइव करता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। हमारे यहाँ पर द जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दो क्लास के ऑफिसर्स होते हैं। ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट लाइक द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स को बोलते हैं, एंड स्पेशलिस्ट जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं। सो जनरलिस्ट क्यों उनको जनरलिस्ट बोलते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू हैंडल द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। उनको डिफरेंट ऑड सर्कमस्टांसिस को हैंडल करने की एबिलिटी होती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड जनरलिस्ट।
टेक्निकल, जो टेक्निकल डोमेन्स के एरिया होते हैं, जो डोमेन स्पेसिफिक होता है, उन्हीं को हैंडल कर सकता है. सो ड्यू टू दिस डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ जॉब ऑफ द जनरलिस्ट, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल किनका ज्यादा होता है? द जनरलिस्ट का. द ज्यादा एडेप्टिव कौन होगा? जनरलिस्ट होगा. ज्यादा लुक्रेटिव कौन होगा? जनरलिस्ट. इसलिए ब्यूरोक्रेसी में मोस्ट ऑफ द हायर इकोलन ऑफ सर्विस में जनरलिस्ट होते हैं. सो जनरलिस्ट एक ऐसा कुछ यू कैन कॉल इट दैट वर्साटाइल कैरेक्टर होता है. सो ये जो फीडिंग हैबिट है जो डिफरेंट कंडीशंस में व्हाइट फ्लाई को सर्वाइव कराता है, दैट इज पॉलीफेगस नेचर. इस नेचर के चलते ये व्हाइट फ्लाई अपने को एक्सपेंड करने के लिए सक्सेसफुल रहा है. अब ये स्पीसीज कोकोनट प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है, बैनाना ट्रीज को भी, मैंगो, शपोता, गोवा, काजू, ऑयल पाल्म, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक बॉटल पाल्म, फॉल्स बर्ड पैराडाइज, बटरफ्लाई पाल्म एंड दैट इवन मेडिसिनल प्लांट्स को भी ये इन्वेड कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है. सो इट मीन्स इनका जो रेंज ऑफ क्रॉप्स का जो इन्फेक्ट करने का काफी बढ़ा है. इट इज एन इम्पेंडिंग चैलेंज. तो इनके कंट्रोल के मेजर्स भी होने चाहिए. सो द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम दैट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कुछ और टीम्स ने स्टडी किया एंड दे फाउंड दैट द सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स से क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है. दे फाउंड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स. देन हाउ इट टू बी कंट्रोल, कैसे इनको इनको कंट्रोल करना है? हियर नेचर इज अगेन द बेस्ट सॉल्यूशन. दे फाउंड कि जो नेचुरल प्रेडिटर्स होते हैं लाइक पैरासिटॉइड्स, एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई हैं दैट कैन किल्स द इंसेक्ट, तो उनको यूज करके हम इनके कंट्रोल को रोक सकते हैं. जस्ट लाइक ये कुछ एग्जांपल्स आई हैव साइटेड हियर लाइक पैरासिटॉइड्स हैं जो दैट वाइट इस इंसेक्ट के इस पेस्ट के ऊपर में इफेक्टिवली वर्क कर रहा है. एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई आर आइसोलेटेड इन विट्रो कंडीशन, मतलब जो लैब कंडीशंस होते हैं उन लैब कंडीशंस में इन दीज फंजाई का मास प्रोडक्शन करके हम लोग उन फील्ड्स पे अप्लाई करके इनके पोटेंशियल थ्रेट्स को रोका जा सकता है. ठीक है, लाइक कुछ एग्जांपल्स है दैट इज कॉल्ड एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई दिखते हैं. एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन है यू कैन कीप व्हाइल कीपिंग योर द एग्जाम इन द बैक ऑफ माइंड. द पेस्टिसाइड्स क्या होता है, ओके, मोलस्किसाइड क्या होते हैं, फंजीसाइड्स क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, और इंडिया में अभी तक 292 पेस्टिसाइड्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया. और ये जो एंटायर एपिसोड है दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, दे आर रेगुलेटेड बाय एंड लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 एंड पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल जो 2020 पे इट हैज बीन अप्रूव्ड रिसेंटली बाय द यूनियन कैबिनेट. सो वी हैव अंडरस्टूड द various threats with respect to the white fly. There are the two class of the white fly, Aleurodicus dispersus and second one that is rugose spiralic white fly. ये white fly अभी एक impending challenge की तरह उभरा है जो हमारा crop diversity है which provide the nutritional security to the India. It is now in a challenging position. It is to be going to be compromised if it is not taken care of in a advanced way, proactive way and a scientific manner. तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देयर शुड बी द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इनवेसिव स्पीसीज. हमें इन पे प्रोएक्टिव विजिलेंस की जरूरत है. द होस्ट प्लांट्स एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इज नीडेड, किन किन एरियाज में ये फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स. सो अवेयरनेस जनरेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. सेकेंड, सिंस नेचुरल द पैरासिटॉइड्स entomopathogenic fungi are the solutions to these the potential threats, then we can import of the potential natural enemies for the biocontrol program can be carried out, okay, that if they needed. So it, what is the best way thing that we should be aware, we should be alert with respect to the potential threats about this white that is called pest and white invasive species. So this is all about the today's session. Hopefully you like it, you share with your friends, and we again meet with the next topic. Jai Hind.